हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में आज नया क्या है, खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं वो आपको बताता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली पे मौजूद है हम, और हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं जिनको हमने किया है। तो ये 10 नंबर जो एंट्री है वाउचर नंबर 10 वाली, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना है। सो हाउ कैन वी एक्सपोर्ट दिस टैली फाइल इनटू अ एक्सेल फाइल। सो वी हैव टू प्रेस अल्ट ई। आपको क्या प्रेस करना है, अल्ट ई प्रेस करना है। आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम अल्ट ई प्रेस कर लेते हैं। जैसे ही अल्ट ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये नजर आएगा करंट, ठीक है। तो आपको इसी करंट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में दिखाई पड़ेगा F8 फाइल फॉर्मेट। तो आपको जो भी फाइल फॉर्मेट रखना है, F8 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ नजर आ जाएगा। आपको ASCII फॉर्मेट रखना है, एक्सेल रखना है, HTML रखना है, JPG रखना है, PDF रखना है, क्या रखना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम इसको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेल को यानी एक्सेल स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करके और एंटर करते हैं, ठीक है। और फिर सेंड पे क्लिक करते हैं। ये जो सेंड दिया हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट की ई भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम ई प्रेस कर देते हैं, ठीक है। ई प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंडिंग टू योर सिस्टम। तो ये देख सकते हैं एक्सेल में, तो ये देख सकते हैं जो हमारी फाइल थी वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है, और ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। तो आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। लाइक ये तो एक फाइल थी, किसी दूसरे फाइल को भी अगर आप एक्सपोर्ट कराना चाहें तो यही तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक एंट्री पास की थी जिसको मैंने एक्सेल में इंपोर्ट कराया था। यहाँ पे देखिए ये डेबुक है, यहाँ पर जाते हैं, ये पहली वाली एंट्री को हम एक्सपोर्ट करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस बार मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और करेंट पर क्लिक करता हूँ, और हमें फॉर्मेट क्या चाहिए वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको JPG फॉर्मेट चाहिए या PDF चाहिए, पहले मैंने एक्सेल कराया, इस बार PDF कराता हूँ, ठीक है। और फिर सेंड पे कर देना है क्लिक। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो डिपेंडिंग टू योर सिस्टम ये थोड़ा टाइम लेगा, और फिर ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम वही इनवॉइस जो है एक्सपोर्ट हो गई है PDF में। तो ये वो तरीका है जिससे आप किसी भी टैली फाइल को एक्सपोर्ट करा सकते हैं, चाहे एक्सेल में कराना चाहे, चाहे JPG फॉर्मेट में कराना चाहे, या PDF में कराना चाहे, या HTML फॉर्मेट में कराना चाहे, आप आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।